व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा विच इज़ वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और टर्म वन के रिजल्ट्स भी आए हैं, तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है इन टर्म वन, और कुछ अपनी चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो जल्दी से बिना समय को वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, और बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक पूरी देखना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और डेफिनेटली आप टर्म टू और अपने एंट्रेंसेस के लिए बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए पुश मिलेगा और आप आगे बढ़ के मेहनत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने अपना क्लास 10th पास आउट करा, क्लास 10th में आई स्कोर्ड 80%। जब मैंने अपना 10th पास आउट करा तो 10th के बाद एक नॉर्मल बच्चे की तरह मेरे माइंड में भी वही चीज़ें आई कि अब मुझे क्या आगे करना है। क्या मैं साइंस के लिए जाऊं, क्या मैं कॉमर्स के लिए जाऊं, क्या मैं ह्यूमैनिटीज़ के लिए जाऊं, मैं कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करूं। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैक्सिमम या मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वो साइंस की तरफ गए, उन्होंने PCM लिया। मैंने अब घर आके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करा, मैंने भी फिर PCM ऑप्ट कर लिया, पढ़ाई करनी शुरू करी। देन रियलाइज होने लगा कि यार 11th में तो साइंस थोड़ी थोड़ी टिपिकल है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत और करनी पड़ेगी, और मेहनत करी और चीज़ें बढ़ाई, बट चीज़ें वैसी नहीं हो रही थी, मेरे माइंड में चीज़ें नहीं जा रही थी। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में होता है, आप चलते रहो। मैंने कोशिश करी, अप्रैल पढ़ा, मई पढ़ा, देन 20th of May से हमारे समर ब्रेक्स हो जाते थे, पूरा समर वेकेशन में पढ़ता रहा, ट्यूशंस पढ़ता रहा। 1st of July पे हमारा स्कूल वापस से रीओपन हुआ। जुलाई में जुलाई टेस्ट हुए, उस टाइम पे 20 मार्क्स के जुलाई टेस्ट होते थे और मैंने बहुत ख़राब परफॉर्म करा। उसके बाद अगस्त में मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बोला कि आप अगर चाहो तो स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। मेरे टीचर्स ने बोला चाहो तो स्ट्रीम चेंज कर सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा। घर आके डिस्कस करा, देन सब ने बोला कि देख लो जैसे आपको ठीक लगे। देन मैंने कहा नहीं यार, चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कॉमर्स लिया। कॉमर्स लेने के बाद जब कॉमर्स की जर्नी शुरू करी, अब आप देखो कि अगस्त में मैं शुरू कर रहा हूँ और सितंबर में हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते थे, तो मैंने शुरू करा, चैप्टर वैसे ही डेप्रिसिएशन चल रहा था यार, मतलब सारा सिलेबस एंडिंग पे था और मैं स्टार्ट कर रहा था, मुझे उसमें भी कुछ भी समझ नहीं आया। हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए, मैंने कॉमर्स से हाफ ईयरली एग्जाम्स दिए और मैं ऑलमोस्ट इंग्लिश में पास था, मैथ्स में पास था, मैथ्स में भी बस कॉर्नर पे पास था, बिजनेस स्टडीज़ में पास था, अकाउंट्स में आई फेल्ड, आउट ऑफ 100 आई स्कोर्ड 8 मार्क्स, बिजनेस स्टडीज में पास हो गया था, इको में मैं बस कॉर्नर पे बिल्कुल 27-28 मार्क्स आए थे मेरे आउट ऑफ 100, तो वहाँ पे भी मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। देन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि यार कॉमर्स भी समझ में नहीं आ रही, क्या किया जाए। फिर मैंने और मेहनत बढ़ाई और हार्डवर्क करा करा करा, करते 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 फाइनल्स दिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा, बेसिक्स तो डेड हो गए थे बिल्कुल। फाइनल्स में मैंने स्कोर करा वही 45 मार्क्स अराउंड इन अकाउंट्स, और 45 और 8 मिला के बनते थे 53, बट पास होने के लिए आपको चाहिए थे 66, 100 में से 33 यानी 200 में से 66, बट मेरे 53 बन रहे थे, तो आई गॉट फेल्ड। देन हमारे स्कूल में कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है कि आपके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, आपके पेरेंट्स को बुलाया, वो बहुत देर तक लाइन में खड़े रहे। मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे सैड फील कर रहा था कि यार मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को ऐसा शेम फील करना पड़ रहा है या उनकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट हो रही है, मुझे बहुत बुरा लगा। और देन मैंने अपने प्रिंसिपल मैम को रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मुझे आप अलाउ करो 12th में, मैं बहुत मेहनत करूँगा और बहुत अच्छा स्कोर करूँगा। उसके बाद 12th में मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बहुत हार्डवर्क करा, 3 months एक्स्ट्रा बेसिक्स की क्लासेस करी क्लास 11th की, और क्लास 12th में आई स्कोर्ड 93 मार्क्स इन अकाउंट्स आउट ऑफ 100, और मुझे ऐसा लगा कि यार जो चीज़ें मैंने फेस करी, मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, पता नहीं ऐसे कितने बच्चे ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते होंगे। जैसे ही मैंने 12th पास आउट करा, देन मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा। पहले दिन से 12th पास आउट करने के साथ ही पूरा डेडिकेशन, पूरा कमिटमेंट, अपना सब कुछ टीचिंग में लगा दिया। मैं पढ़ भी रहा था, मैं पढ़ा भी रहा था, मैं सिर्फ 4 घंटे सो रहा था, बाकी अपने कॉलेजेस जाता था, आके होम ट्यूशंस लेता था, आगे अपने घर पे पढ़ाता था। उसके बाद 2 साल बाद मैंने YouTube शुरू करा, YouTube वीडियोस बनाता था, कोई टाइम नहीं था सोने का, कोई टाइम नहीं था खाने का, कोई टाइम नहीं था कुछ चीज़ का, बस एक विजन था कि मुझे इतना अच्छे से पढ़ाना है सभी लोगों को, जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, चाहे वो YouTube पे पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन आके पढ़ रहे हैं,
या बाद में जब हमने अपने ऑनलाइन कोर्सेज भी लॉन्च करे उसकी भी स्टोरी तुम्हें बताता हूँ, एक डेडिकेशन था कि मुझे 100% के साथ पढ़ाना और मेरे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करें। धीरे 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 बच्चों के मार्क्स आने लगे, लोगों का ट्रस्ट बनता गया और बहुत ज़्यादा एडुकेशन स्प्रेड करने का विजन दिमाग में लेके आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। देन YouTube करा, YouTube से बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा, बहुत सारे बच्चे अच्छे से काम करने लगे, बहुत अच्छा स्कोर करने लगे। उसके बाद माइंड में प्लान आया कि क्यों ना ऑफलाइन क्लासेस हम कंडक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छे से, ऑनलाइन क्लासेस करी जाए, ऑनलाइन अलग अलग बच्चों तक पहुंचा जाए। जो भी बच्चे हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं, जो भी बच्चे कुछ कोर्सेज बाय करके पढ़ना चाहते हैं, जो वन ऑन वन इंटरेक्शन के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट टू लॉन्च आर ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करें। बहुत ज़्यादा बच्चों को एक शुरू में होता है ना कि पता नहीं यार क्या होगा, यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो गया, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहे हैं, बट अगर आप मनी इन्वॉल्व करते हो तो इस सिनेरियो में पता नहीं पढ़ाएंगे भी या नहीं पढ़ाएंगे, पैसे लेके भाग गए तो क्या होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए। बट हमने कोशिश करी कि हम हर चीज़ का आंसर दें, हम हर चीज़ का सॉल्यूशन दें। फर्स्ट ईयर वॉज अमेजिंग, बहुत एक्सीलेंट तरीके से हमने काम करा। दूसरा साल हमने करा, इट वॉज अमेजिंग, बहुत बढ़िया तरीके से हमने काम करा। देन आती है बारी इस साल की, जो कि हमने अब टर्म वन के रिजल्ट्स आए। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई करी, दे स्कोर्ड अमेजिंग। जिन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई करी उन्होंने मुझे बताया, कमेंट सेक्शन भर गया मेरा, इंस्टाग्राम भर गया जब टर्म वन के रिजल्ट्स आए, दे डिड एन अमेजिंग जॉब। उसके बाद जब मैंने अपने ऑनलाइन वाले कोर्सेज से बात करी, जितने भी बच्चों ने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज लिए हुए थे, आई वॉज शॉक्ड कि क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे हैं बच्चों ने। मुझे बिलीव हो गया कि एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ बच्चा क्या नहीं कर सकता, मतलब ऑनलाइन में भी हमारे ऑफलाइन से बेटर रिजल्ट हमें इस साल देखने को मिला है। और क्या अमेजिंग रिजल्ट, मतलब बच्चों ने इतना ज़्यादा इंजॉय करा, इतना ज़्यादा अच्छे से बात सुनी, करा और करके दिखाया, और टर्म वन में क्या अमेजिंग रिजल्ट। स्टूडेंट्स इतनी हार्डवर्क अभी भी कर रहे हैं फॉर टर्म टू, बट मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि जब भी आपके टर्म वन रिजल्ट आएंगे मैं सभी के साथ शेयर करूंगा। एंड हियर आई एम टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर करा है, चाहे मेरे यूट्यूब से पढ़ के, चाहे हमारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स, चाहे हमारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स। अमेजिंग जॉब गाइज, अमेजिंग अमेजिंग जॉब। तो सभी, सबसे पहले मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ कि किस प्रकार सारी चीज़ें हुई हैं और किस तरीके से हम लोग कर पाए हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हम लोग अपनी DC ऐप पे लॉन्च करते हैं, आपको पता ही होगा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एनरोल करते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम कभी भी भीड़ नहीं करते हैं, हमें नहीं चाहिए कि हम 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 बच्चों तक पहुँचे। मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ यार, मैं यूट्यूब पर पहुँच रहा हूँ इतने बच्चों तक, मुझे सिर्फ एक सेलेक्टेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखने होते हैं जो कि सच में वन ऑन वन इंटरेक्शन चाहते हैं, जो सच में कुछ पे करना अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, या जो वो हैं, उनके लिए मैं YouTube पे 100% कंटेंट डालता हूँ। बट जिन बच्चों ने बहुत डेडिकेशन दिखाई, बहुत ज़्यादा अच्छे से वो करना चाहते थे, उनके लिए हम कोर्सेज लॉन्च करते हैं हर साल। भीड़ नहीं करते, ये ध्यान रखते हैं कि हाँ इतने बच्चे हों जितने हम वन ऑन वन देख पाए, ताकि एक एक का हमें हिसाब रहे, बाद में ऐसा ना हो कि हमें ही नहीं पता किसने क्या स्कोर करा। लॉन्च करे कोर्सेज, मेहनत करी हम लोगों ने, ये हमारे सामने आया। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 40 on 40 स्कोर करते हैं, बट ये जो बच्चे हैं ये कुछ खास बच्चे हैं, इन्होंने तीनों ही सब्जेक्ट्स में 40 on 40 स्कोर करा है, चाहे अकाउंट्स हो, चाहे BST हो, चाहे इको, और इवन मैथ्स में भी 40 on 40 स्कोर करा है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। एक बार मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में इन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करें। मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब से भी पढ़ के 40 on 40 लेके आए हैं, मैं उन्हें भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। क्या कमाल बच्चे हैं ये, सार्थक फ्रॉम दिल्ली, सुशांत फ्रॉम छत्तीसगढ़, इशिका फ्रॉम दिल्ली, शिवम फ्रॉम पटना, अभिषेक फ्रॉम दिल्ली, कनिष्का फ्रॉम चंडीगढ़। कोई भी बार नहीं रहा, कोई सिटी ऐसा नहीं रहा जहां तक हम नहीं पहुंचे। हर शहर से पूरे इंडिया में, इवन आउट ऑफ इंडिया, फ्रॉम UAE, मनोरमा, वन ऑफ आर किड्स फ्रॉम UAE, शी स्कोर्ड 40 on 40 टू सब्जेक्ट्स एंड 39 इन थर्ड, अदरवाइज उसका नाम भी यहां पे आने वाला था। क्या जबरदस्त मेहनत करी। 200 प्लस स्टूडेंट्स हैं जो 40 on 40 लेके आए हैं, चाहे वो एक सब्जेक्ट में हो, चाहे वो दो सब्जेक्ट में हो, चाहे वो तीन सब्जेक्ट में हो, 40 on 40 उनके इंडिविजुअली अलग अलग हमें दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हमारे पास 100 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 40 on 40 लेके आए कम से कम दो सब्जेक्ट्स पे, मतलब इनके 40 on 40 तो है ही। अभी मैं उन्हें कंसिडर नहीं कर रहा जिनके थर्ड में 39 है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं।
इसके बाद जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, आई वॉज सरप्राइज, इवन मुझे बिलीव नहीं हुआ, बट दिस इज ट्रू फैक्ट, कि 650 प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 36 और अबव स्कोर करा है तीनों ही सब्जेक्ट्स में, मतलब अकाउंट्स में भी, बीएसटी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, मिला के तीनों में ही 36 से ऊपर मार्क्स हैं, 37, 38, 39, 650 प्लस स्टूडेंट्स. इमेंस हार्डवर्क. आई नेवर थॉट कि ऑनलाइन में भी बच्चा इतना अच्छा कर पाएंगे, बट दे डिड इट. इनका हार्डवर्क, इनका कमिटमेंट, इनका डेडिकेशन एंड विद प्रॉपर गाइडेंस उन्होंने बहुत अच्छे से स्कोर करा है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करा है. मुझे कभी भी फुल मार्क्स नहीं आए पूरी जिंदगी में, मेरे कभी भी मार्क्स नहीं आए. मैं जब भी पढ़ाता था मैं पहले दिन से ये बोलता था कि अगर तुम लोग मार्क्स लेके आओगे ना तो मुझे ऐसे लगेगा कि मेरे मार्क्स आ गए यार. और जब ये बच्चे मार्क्स लेके आए मुझे सच में लगा कि मेरे मार्क्स आ गए. मैंने बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स से वन ऑन वन इंटरेक्ट किया, उनसे बात करी फ़ोन पे. लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखने का यही पर्पज़ होता है कि मैं वन ऑन वन टच में आ पाऊँ स्टूडेंट्स के साथ, वन ऑन वन उन्हें समझा पाऊँ, अगर वो कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो हम उसे दूर कर पाएँ. एक सिस्टम डेवलप करा, चाहे वो पूरा टेस्ट का सिस्टम हो, चाहे वो इवेल्युएशन प्रोसेस हो, चाहे वो मटीरियल, स्टडी मटीरियल का प्रोसेस हो, एक अच्छा सिस्टम डेवलप करा सो दैट बच्चे स्कोर कर पाएँ. अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे बच्चे 36 प्लस लेके आए हैं, कम भी लेके आए हैं, मैं उसको भी एक्सेप्ट करूँगा. ऐसे भी बच्चे हैं जो 20 लेके आए, ऐसे भी बच्चे हैं जो 15 लेके आए हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो 18 लेके आए हैं, बट हम उस पर अब और हार्ड वर्क कर रहे हैं और टर्म टू में हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो भी इस वाले ब्रैकेट में आए, 36 प्लस में आए. हम अपना बेस्ट दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इन बच्चों को और मेहनत करानी है. एक सिस्टम डेवलप कराया हमने. हमारे साथ ऐसा नहीं है कि यार आ गए तो अब पता नहीं क्या है, किसके कम आए, किसके ज़्यादा आए, हमें नहीं पता. हमें एक एक बच्चे का हिसाब है. हमने सबसे मार्क्स मंगाए, हमने सबके मार्क्स इवैल्यूएट करे, हमने सबकी मिस्टेक्स देखी एंड वी आर वर्किंग कि हम टर्म टू में और अच्छा कर पाएँ और बढ़िया कर पाएँ. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन बच्चों ने ट्रस्ट दिखाया, इन बच्चों ने मेहनत करी, इन बच्चों ने एफर्ट दिखाया. और मैंने इन्हें बोला था कि जिस दिन तुम्हारे रिजल्ट आएंगे मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगा 100% के साथ और मैं एक पूरा वीडियो इस चीज़ पे बनाऊंगा, तो डेफिनेटली ये बनता है. और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि किस सिटी में हम नहीं पहुंचे, थोड़ा सा ब्लर्ड है बट मैं आपको बताता हूं, पटना से हमारे बच्चे शिवम 41 14, ऑल सुशांत चिरमिरी दिल्ली, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली, फगवाड़ा, MP, मुरादाबाद, नीमेड़ा, जयपुर, दुबई, मनोरमा फ्रॉम दुबई, फारुखाबाद, चेन्नई, MP, संबलपुर, ओडिशा, कोटा, अलीगढ़, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका हमें स्टेट्स नहीं पता चले थे, पटना, जबलपुर, धमतारी, गुवाहाटी, पटना, इंदौर, मिर्ज़ापुर, सिरन, जम्मू, देवरिया, न्यू दिल्ली, केरला, बिहार, भोपाल, दिल्ली, मैसूर, बरनाल, दिल्ली, गुना, न्यू दिल्ली, जौनपुर, गुजरात, ओडिशा, भुवनेश्वर, अजमेर, पटना, चंडीगढ़, मतलब मेरठ, रेवाड़ी, द्वारका, कोलकाता, बरेली, मध्य प्रदेश, सहरसा, रुड़की, राजस्थान, पटना, सिलवासा, औरई, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, राजकोट, सब जगह के हमारे बच्चे, लखनऊ, गांधीनगर, मथुरा, भोपाल, पटना, पूरे इंडिया से, हर जगह से, मतलब पूरी लिस्ट है ये अगर मैं आपको दिखाऊं जिनके 36 प्लस मार्क्स हैं. शानदार परफॉर्मेंस है बच्चों का, शानदार परफॉर्मेंस, और ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा अगर मैं आगे बढ़ता रहूँगा. इतने बच्चे हैं, सबका नेम हम यहाँ पे मेंशन भी नहीं कर पाए. तो ये पूरा लिस्ट हम लोग बना पाए क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास डिटेल्स हैं. और ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दीज किड्स डिजर्व एप्रिसिएशन, ये एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में, जितने भी बच्चों ने मेहनत करी, जितने भी बच्चों ने हार्डवर्क करा, जितने भी बच्चों ने एफर्ट लगाया इन टर्म वन, दे डिजर्व एप्रिसिएशन, वो एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं. आई रियली वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, आप सभी के पेरेंट्स को बहुत बधाई दूंगा. और आप सब आज अपने पेरेंट्स के लिए एक खुशी का मौका लेके आए हो, आप सभी अपने पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मोमेंट लेके आए हो, और ये चीज़ तुमने ज़िंदगी में सबसे अच्छी करी है. और मैं उन सभी बच्चों को ये कहूँगा जिनके टर्म वन में कम रह गए हैं, कीप वर्किंग वेरी हार्ड. आप टर्म टू में बहुत बहुत मेहनत करो, खूब मेहनत करो टर्म टू में, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ क्योंकि तुम लोग ही हो जो करा सकते हो. टर्म टू में प्राउड फील कराओ, अच्छे कॉलेजेस ग्रैब करो, अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज पे बात करो, बहुत आगे बढ़ो. और मैं बहुत खुश हूँ, हमारे सभी बच्चे बहुत मेहनती हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं. और अगर कोई कमी रह गई है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और खूब आगे बढ़ो. किसी भी सोर्स से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, अपने आसपास टीचर्स से पढ़ो, ऑफलाइन मीडियम से पढ़ो, ऑनलाइन मीडियम से पढ़ो, हमारे कोर्स, किसी और का अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ो, बस पढ़ो.
दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि मुझे जो इंसल्ट फील हुई थी क्लास इलेवेंथ में, मैं ये चाहता हूँ कि वो इंसल्ट किसी भी बच्चे को फील ना हो, वो इंसल्ट किसी भी पेरेंट को फील ना हो, और उसका रीज़न हम ही होते हैं, हम मेहनत कम करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। मैं आपको मिल ही रहा हूँ, हम लोग टर्म टू की प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ और भी चीज़ें नई नई करते रहेंगे और खूब मेहनत करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ और चीज़ों के साथ, मिलेंगे आपको बहुत जल्द। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।